श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। वशिष्ठ ने आगे कहा, आत्मा ज्ञानवश अहम पूर्ण सत्ता की कल्पना वैसे ही कर लेती है जैसे स्वर्ण अपनी स्वर्णता को भूल जाता है, अपने को अंगूठी मान बैठता है और फिर रोता कलपता रहता है, हाय मैं अपनी स्वर्णता खो बैठा हूं। राम ने पूछा, हे महर्षि, आत्मा में यह अज्ञान और अहम कैसे उत्पन्न होता है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, व्यक्ति को वही प्रश्न पूछने चाहिए जिनका संबंध वास्तविकता से होता है, न कि अवास्तविकता से। जब सुनार अंगूठी बेचता है तो वह सोने को तोलता है, क्योंकि वह सोना ही है। यदि कोई अंगूठी में अंगूठी पन की चर्चा करे अथवा सीम चेतना में ससीम चेतना की चर्चा करे तो उसकी तुलना बांझ औरत के पुत्र से ही की जानी चाहिए। अवास्तविक की सत्ता अवास्तविक होती है, यह अज्ञान जनित होती है, और जब इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली जाती है तो यह लुप्त हो जाती है। अज्ञान के कारण ही सीपी के भीतर परत में चांदी का भ्रम उत्पन्न होता है, परंतु यह चांदी क्षण भर के लिए भी टिकाऊ नहीं होता। जब तक सीपी की सच्चाई का बोध नहीं होता तब तक यह भ्रम बना रहता है। जिस प्रकार कोई बालू से तेल नहीं निकाल सकता और जिस प्रकार कोई अंगूठी से मात्र सोना ही निकाल पाता है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में दो वस्तुएं नहीं हैं, एक असीम चेतना ही है जो सभी नामों और रूपों में दिखाई देती है। निरय ज्ञान की कुछ ऐसी ही प्रकृति है, ऐसी ही प्रकृति भ्रांति और संसार चक्र की भी है। अहम की भ्रामक धारणा भी बिना वास्तविक सत्ता के है। यह अहम असीम आत्मा में नहीं होता। असीम आत्मा में न कोई कर्ता होता है, न समय, न सत्ता और न विनाश ही होता है। न तुम होते हो और न मैं होता हूं, न आत्मा होती है, न कोई और होता है, न कुछ सत है और न कुछ असत, न द्वैत की धारणा होती है और न सोच विचार की और न सुख भोग की ही। जो भी है और जो कुछ ब्रह्मांड के रूप में जाना जाता है वह परम शांति है। न आरंभ है, न मध्य है और न अंत ही है। जो है वह सदा सदा के लिए है, मन और वाणी के क्षेत्र से परे। सृष्टि का भी प्रश्न नहीं, असीम कभी अपनी असीमता नहीं छोड़ता। वह सागर की तरह है परंतु उसमें सागर की गति नहीं, वह सूर्य की तरह स्वतः ज्योतिर्मय है परंतु उसमें किसी प्रकार की क्रियाशीलता नहीं। अज्ञान में परमात्मा को पदार्थ के रूप में देखा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आकाश में आकाश रहता है। आकाश में जो सृष्टि दिखाई देती है वह भी ब्रह्म में ब्रह्म ही है। दूर और समीप की धारणा, विविधता की धारणा यहां और वहां की धारणा की इतनी ही वैधता है जितनी उस दर्पण में दो वस्तुओं के बीच की दूरी की रहती है जिसमें सारा नगर देखा जा सकता है। विभ्रांति जनक अनुभव होने के एक दिन बाद राजा लवण ने सोचा, मुझे उन स्थानों को चलकर देखना चाहिए जो मुझे विभ्रांति में दिखाई पड़े थे, शायद उनकी वास्तविक सत्ता हो। तुरंत उसने अपने अनुचरों को साथ लिया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। जल्दी ही उसे वे स्थान और वे लोग दृष्टिगोचर हुए जिनकी उसे विभ्रांति हुई थी। वह उन लोगों से भी मिला
जो आदिवासी जीवन में उसके साथ थे, उसने अपने दीनहीन बच्चों को भी देखा। वहां उसे एक औरत दिखाई पड़ी जो रोते चिल्लाते हुए कह रही थी, मेरे प्यारे पति, हम सबको अकेला छोड़कर कहां चले गए हो? मैं अपने उस सुंदर कन्या को भी गवा चुकी हूं जिसे सौभाग्यवश राजकुमार पति रूप में प्राप्त हुआ था। वे सब कहां चले गए? हाय, मैंने उन सबको खो दिया है। राजा उसके पास गया और उसे ढांढस बंधाया। उसी से उसने जाना कि यह मेरी आदिवासी पत्नी की मां है। करुणावश राजा ने उसे ढेर सा धन दिया जिससे वह अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके और सूखे से पीड़ित राज्य में अपनी रक्षा कर सके। वह कुछ समय तक उसके साथ रहा और फिर अपने राजमहल लौट पड़ा। अगले दिन राजा ने मुझसे इस संपूर्ण रहस्य को स्पष्ट करने के लिए कहा। इस संबंध में मैंने जो उत्तर दिए उससे राजा मुझे संतुष्ट लगा। हे राम, सच तो यह है कि अज्ञान की शक्ति अपने ही बल पर सत और असत में भयावह भ्रम उत्पन्न करने में समर्थ है। राम ने पूछा, हे महर्षि, सचमुच यह विक्षोभजनक है? यह कैसे संभव है कि जो बात स्वप्न में या भ्रांति के कारण दिखाई देती है वह जागृत अवस्था में भी वास्तविकता के रूप में अनुभूत होती है? वशिष्ठ ने कहा, हे राम, यह है सब कुछ अज्ञान ही। समीप और दूर की धारणा, क्षण और युग की धारणा, ये सभी भ्रांतियां हैं। अज्ञान में सत असत प्रतीत होता है और असत सत प्रतीत होता है। घोर आसक्ति के कारण वैयक्तिक चेतना जो दिखाना चाहती है वही दिखाती है। अज्ञान के कारण जब अहम की धारणा उत्पन्न होती है तो उसी के साथ उसी क्षण आरंभ, मध्य और अंत की अवधारणा भी उत्पन्न होती है। इस प्रकार जो भ्रमित होता है वह सोचता है कि मैं जीव हूं और जीव होने का अनुभव भी करता है। यह सब कुछ विशुद्ध संयोग से होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक उड़ता हुआ कौवा नारियल के वृक्ष पर बैठता है, उसके बैठते ही नारियल गिर पड़ता है और लगता है कि कौवे ने ही उसे गिराया हो। सच्चाई तो यह है कि कौवे ने उसे गिराया ही नहीं। इसी प्रकार विशुद्ध संयोग से अज्ञान में असत सत प्रतीत होता है। सम्मोहित अवस्था में राजा लवण ने अपनी चेतना में परावर्तित राजकुमार और आदिवासी का विवाह देखा और उसे ऐसा लगा कि यह विवाह मेरे ही साथ हो रहा है। अपने आरंभिक जीवन में हुए कर्मों को व्यक्ति भूल जाता है, भले ही उनमें उसे कितना ही समय और शक्ति क्यों ना लगानी पड़ी हो। इसी प्रकार वह यह भी सोचता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, भले ही उसने पहले क्यों ना किया हो। स्मृति के संबंध में इस तरह की विसंगतियां प्रायः दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही भूतकाल में स्वप्न में कभी दिखाई देई हुई घटना वर्तमान में भासित हो जाती है। राजा लवण को ऐसा ही घटनाक्रम भासित हुआ जो उसके आदिवासी जीवन की किसी घटना से संबंधित था। ऐसा भी संभव है कि विंध्य की ढालों में आदिवासियों को जो कुछ भासित हुआ वो भी राजा लवण की चेतना में उद्भूत हुआ हो। यह भी संभव है कि लवण और आदिवासियों को जो अनुभव हुए वो एक दूसरे के हों। ये भ्रांतियां जब अनेक लोगों के ये भ्रांतियां
जब अनेकों को होती हैं तो वास्तविकता बन जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे बहुत से लोगों के द्वारा कही हुई बात सही मान ली जाती है, जब ऐसी बातों को कोई अपने जीवन में ढाल लेता है तो ये अपनी वास्तविकता ग्रहण कर लेती हैं। संसार की वस्तुओं से संबंध सत्य वही तो होगा जो अपनी चेतना में अनुभूत हुआ होगा। अज्ञान उसी प्रकार वास्तविकता नहीं होता जिस प्रकार रेत में तेल नहीं होता। अज्ञान और आत्मा में संबंध नहीं होता, क्योंकि संबंध तो एक सी या समान इकाइयों में ही होता है। ऐसा अनुभव हर एक को होता है, क्योंकि चेतना असीम है इसलिए इस ब्रह्मांड की हर वस्तु ज्ञेय है। ऐसा नहीं कि कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को प्रकाशित कर रहा हो, क्योंकि पदार्थ में अपना प्रकाश नहीं होता। वस्तुतः चेतना ही सब कुछ है, इसलिए हर पदार्थ स्वप्रकाशित है। उसे इसके लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं होती। चेतना के प्रभाव से वह अपने आप प्रकाशित होता है और आप से आप उसमें बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। परंतु जड़ पदार्थ के साथ चेतना के संयोग से ऐसा नहीं होता। यह कहना ठीक नहीं कि यह ब्रह्मांड चेतन और जड़ का मिश्रण है, क्योंकि इन दोनों का मिश्रण होता ही नहीं। सभी पदार्थ चेतना से भरपूर हैं, और जब वैयक्तिक चेतना अपने को समझ लेती है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। पेड़ और चट्टान को जड़ मान लेने पर उनमें संबंध प्रतीत होता है। यह संबंध उनके मूलभूतों घटकों में होता है, जिनमें कुछ विशिष्ट परिवर्तन होने के कारण ही एक पेड़ बन जाता है और दूसरा चट्टान। यही बात रसेंद्र के संबंध में भी है। पदार्थ के स्वाद के प्रति होने वाली जीवा के तंतुओं की अनुक्रिया का कारण उन तंतुओं के गठन की समानता ही है। पहले से विद्यमान एकता ही सभी संबंधों का बोध कराती है, और इस बोध का कारण है कर्ता और पदार्थ के विभाजन के विषय में होने वाली पहले की मिथ्या और भ्रमक धारणा। दृश्य और दर्शन के बीच भी संबंध होता है, जिसे स्थापित करने वाले को ही दृष्टा कहते हैं। जब दृष्टा दृश्य और दर्शन के बीच का भेद समाप्त हो जाता है तब वह परमात्मा है। जब मन एक देश से दूसरे देश जाता है तब उन देशों के बीच ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता होती है, वह सदा रहती ही है। जिस प्रकार तुम भविष्य में होने वाले गांव के कार्य व्यापार में अपने को नहीं लगाते, उसी प्रकार मन की वृत्तियों से भी अलग रहो। असीम चेतना में कहीं मन है ही नहीं। जो कुछ अस्तित्व विहीन मन द्वारा किया जाता है वह भी अवास्तविक है। इस बात को दृढ़तापूर्वक समझ लो। मैंने मन से संबंध सत्य का अनुसंधान अति दीर्घ काल तक किया है। हे राम, मुझे वह कहीं नहीं मिला। मात्र सीम चेतना ही विद्यमान है। अज्ञात की अंतहीन धारा को संत महात्माओं की निरंतर संगति में रहकर ही पार किया जा सकता है। ऐसी संगति से ही इस बात का ज्ञान उत्पन्न होता है कि किसकी खोज करनी चाहिए और किससे बचना चाहिए। इसके बाद ही मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है। इससे व्यक्ति गंभीरता पूर्वक अनुसंधान में लगता है। इससे मन सूक्ष्म होता है, क्योंकि यह अनुसंधान घोर आसक्ति को क्षीण कर देता है। शुद्ध ज्ञान के उदित होने पर व्यक्ति की चेतना वास्तविकता में विचरण करने लग जाती है। फिर संसप्ति या घोर आसक्ति लुप्त हो जाती है।
और अनासक्ति उत्पन्न होती है। कर्मों में होने वाला बंधन भी छूट जाता है और उसके फल भी समाप्त हो जाते हैं। सत्य में पूर्ण रूप से ध्यान अवस्थित हो जाता है और जो मिथ्या है उसका भय घट जाता है। फिर ऐसी अवस्था को व्यक्ति इस संसार में रहते और काम करते हुए भी वही करता है जो उसे करना चाहिए। वह जब सोता भी है तो उसके मन में संसार या उसके सुख भोगों की चिंता नहीं होती। कुछ वर्षों तक इस प्रकार रहने से व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, सभी अवस्थाओं को पार कर लेता है। वह जीते जीते ही मुक्त हो जाता है, सब संसक्ति पर विजय प्राप्त कर ली जानी चाहिए और मन पूर्ण रूप से शांत हो जाना चाहिए, तो अज्ञानी की भ्रांति भी दूर हो जा सकती है। यह बात समझ लेनी चाहिए कि यही भ्रांति माया की जननी है। जब इसे स्पष्ट रूप से समझ लिया जाता है तो इसका असीम रूप दृष्टिगत हो जाता है और फिर यह आनंद का स्रोत बन जाता है और परब्रह्म की अनुभूति कराने का स्रोत भी। आत्मा ब्रह्म आदि का उल्लेख तो धर्म ग्रंथों द्वारा शिक्षित करने के निमित्त होता है, परंतु सच्चाई यह है कि ये एक ही है। यह विशुद्ध चेतना है, शरीरी नहीं। भले ही कोई जाने या न जाने कि यह शरीरी है या अशरीरी, इस संसार में जितने भी दुख कष्ट हैं वे शरीर के ही हैं। और आत्मा जो इंद्रियों की पकड़ से परे है उसे दुख कष्ट छू भी नहीं सकते। आत्मा में कोई इच्छा नहीं होती और न उसमें भासित होने वाले संसार की ही अपनी कोई इच्छा या आकांक्षा होती है। हे राम, मेरे इन विचारों से सृष्टि और उसके अस्तित्व की मिथ्या धारणा दूर हो जाती है। तुम्हारी चेतना विशुद्ध हो चुकी है, अब उसमें द्वैत नहीं रहा है। इसी के साथ आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे।